सो गाइज, आज के इस वीडियो में फोटो एडिटिंग से रिलेटेड ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ कि एक ही क्लिक में आपका फोटो का बैकग्राउंड रिमूव कर देगा। देख सकते हो गाइज लाइफ रूप, तो आप देख सकते हो गाइज हमारा फोटो का बैकग्राउंड किस तरह से हटा दिया गया है। तो इसी तरह से गाइज आपको बैकग्राउंड हटाना बताऊंगा और कौन सा एप्लीकेशन है गाइज सब कुछ बताऊंगा फुल डिटेल में। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, फिर वीडियो को फुल वॉच करना है तभी आपको समझ में आएगा। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सो गाइज, हम आगे मोबाइल को होम स्क्रीन पर सबसे पहले आपको प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना होगा एंड यहाँ पर सर्च करना होगा फोटो रूम। तो गाइज उस एप्लीकेशन का नाम है गाइज फोटो रूम। तो यहाँ पे आपको गाइज इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना होगा। तो देख सकते हो गाइज मेरे में ये डाउनलोड है, तो सिंपली ये अपडेट मांग रहा है। तो देख सकते हो गाइज, तो चलिए मैं बैक जाता हूँ और इसी एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ। तो देख सकते हो गाइज यहाँ पे हमारा फोटो रूम एप्लीकेशन यही है। तो सिंपली मैं इसे ओपन करता हूँ। तो ओपन करने के बाद आपको कुछ अलाउ करने का परमिशन मांगेगा, तो आप अलाउ कर दीजिएगा एंड यहाँ से गाइज स्टार्ट फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करके गाइज यहाँ से गैलरी पर क्लिक करके आप अपना फोटो सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी फोटो आप इरेज करना चाहते होंगे एंड जिसका भी बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते होंगे। तो हम यहाँ से गैलरी से एक फोटो सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद गाइज जैसे ही सेलेक्ट कीजिएगा इस टाइप का प्रोसेसिंग होगा। प्रोसेसिंग होने के बाद देख सकते हो गाइज किस तरह से हमारा बैकग्राउंड को रिमूव कर दिया है। सो फाइनली ऊपर में देख सकते हो गाइज तीन टाइप्स का हमारा बैकग्राउंड निकल चुका है एंड नीचे में देख सकते हो गाइज प्रोफाइल पिक बना भी दिया है। तो जो भी आप रखना चाहते होंगे रख लीजिएगा प्रोफाइल पिक। वैसे तो हम बैकग्राउंड रिमूव वाला फोटो एडिटिंग बताने वाले हैं, तो चलिए मैं ऊपर वाले बात कर लेता हूँ। तो सिंपली आपको ये वाला डाउनलोड करना है। सॉरी गाइस, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस इस टाइप का इंटरफेस खुल जाएगा। तो क्लिक करने के बाद सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड चेंज करेंगे। तो सिंपली आपको बैकग्राउंड ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो बैकग्राउंड ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ से गाइस देख सकते हो यहाँ पर चेंज बैकग्राउंड का ऑप्शन दिख रहा है, तो उस पर आपको क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद गाइस कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुलेगा। सिंपली आपको माई फोटो पर क्लिक कर देना होगा, तो ये आपका गैलरी में ले जाएगा एंड यहाँ से गाइस गैलरी पर क्लिक करके आप जो भी बैकग्राउंड डाउनलोड किए होंगे उस बैकग्राउंड को आपको ऐड करना। तो गाइस यदि आपको नहीं पता कि बैकग्राउंड कैसे डाउनलोड करते हैं, तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि बैकग्राउंड को कैसे डाउनलोड करते हैं। तो चलिए मैं एक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो सेलेक्ट करने के बाद गाइस आपको इस तरह से आपको बैकग्राउंड को पकड़ के इस तरह से सेट कर देना होगा अच्छे से अपने फोटो में। तो देख सकते हो गाइस हमारा बैकग्राउंड बहुत ही अच्छे से सेट हो चुका है। तो कुछ इसी टाइप से हम बैकग्राउंड को सेट कर देंगे एंड गाइस अपने फोटो पर क्लिक करके गाइस एंड यहाँ से गाइज फोटो पे क्लिक करेंगे अपने बॉडी पे एंड यहाँ से गाइज नीचे में आपको स्क्रॉल करना होगा, नीचे की ओर आना होगा। यहाँ पे आपको एडजस्ट का ऑप्शन दिखेगा, उस पर वो क्लिक कर देना होगा। तो हम थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ाएंगे, तो फर्स्ट नंबर में आपको ब्राइटनेस का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करके आपको ब्राइटनेस को इस तरह से बढ़ाना है, स्क्रॉल करना है। तो इस तरह से गाइज ब्राइटनेस को बढ़ा लीजिएगा एंड कंट्रास्ट को भी हल्का सा बढ़ा लेते हैं एंड यहाँ से गाइज हाईलाइट को भी बढ़ा दीजिएगा। तो सैचुरेशन को हम हल्का सा रखते हैं, सैचुरेशन को हल्का सा तो 13 के आसपास रखेंगे एंड यहाँ से गाइज हाइलाइट को भी हल्का से बढ़ा देते हैं। इतना करने के बाद गाइस इस वाले एरो पे क्लिक कर दीजिएगा, तो ये आपका डाउन हो जाएगा, नीचे में चला जाएगा। तो इतना करने के बाद गाइस सिंपली आपको कुछ नहीं करना होगा। अब इस बार आपको बैकग्राउंड में क्लिक करना होगा, तो बैकग्राउंड में क्लिक कीजिएगा एंड यहाँ से गाइस बैकग्राउंड का कलर चेंज करना चाहते होंगे एंड जो भी करना चाहते होंगे, तो यहाँ पर आपको बहुत सारा ऑप्शन दिखेगा। सिंपली आपको फिर से इस वाले ऑप्शन पर आकर के यहाँ से एडजस्ट वाला ऑप्शन पर जाना होगा एंड गाइस यहाँ से एडजस्ट वाला ऑप्शन पर जाने के बाद यहाँ से गाइस ह्यू वाला ऑप्शन पर जाना होगा। तो देख सकते हो यहाँ पे ह्यू का ऑप्शन है, उस पर क्लिक कीजिएगा एंड इस वाले सर्कल को इस तरह से लेफ्ट एंड राइट कीजिएगा। देख सकते हो हमारा बैकग्राउंड का कलर किस तरह से चेंज हो रहा है। तो कुछ इसी टाइप से आपको बैकग्राउंड का कलर चेंज कर लीजिएगा। तो आप अपने फोटो के अकॉर्डिंग जो भी बैकग्राउंड अच्छा लग रहा होगा वो रख लीजिएगा। तो हम यहाँ से अपने अकॉर्डिंग बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए हम रेड ही रखते हैं एंड यहाँ से कंट्रास्ट को बढ़ा करके यहाँ से एरो पे क्लिक कर देंगे। तो देख सकते हो हमारा बैकग्राउंड बहुत ही अच्छे से एडजस्ट हो चुका है और बैकग्राउंड का कलर भी सेव हो चुका है। तो इसी तरह से गाइस हम एडिटिंग करेंगे एंड इतना करने के बाद गाइस इस फोटो को हम यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से गाइस सेव टू गैलरी पे क्लिक करेंगे, तो हमारा गैलरी में हो जाएगा सेव। सो गाइस उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आएंगे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसी फोटो एडिटिंग एंड वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो मिलती रहती है। चलिए मिलते हैं।